बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमने आप लोगों के साथ बीफ आलू वाले शोरबे वाली हांडी बनाना सिखाई है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये बहुत पसंद आएगी और बहुत ही मज़े की बनती है। आपने इसको एक बार लाजमी बनाना है, ये कोई भी बनाएगा पहली बार में ये बहुत ही मज़े की बनेगी और ये बहुत ही आसान रेसिपी है, तो आपने इसको लाजमी बनाना है। पंजाब में तो ये बहुत ही शौक से खाई जाती है और देखेंगे खाने में भी और देखने में देखें कितनी मज़े की लग रही है। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही मज़े की बनी है, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये बहुत पसंद आएगी। तो अब हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम और शुक्र से आप ठीक होंगे। मैं आज आप लोगों के साथ पंजाबी शोरबे वाली के जो है ना राई बनाना सिखाने लगी हूँ, जिसके लिए सबसे पहले हमने 5 से 6 अदर जो है ना साबुत हरी मिर्चें ली हैं, 4 टेबल स्पून भर के जो है ना हमने अदरक का जो है ना पेस्ट लिया है, और ये जो है ना 3 अदद मैंने जो है ना ये प्याज ली थी, जिनको मैंने मोटा मोटा सा स्लाइसिस में कटिंग कर लिया है, और 1/2 टीस्पून हल्दी ली है, 4 टेबल स्पून भर के ही मैंने लहसुन लिया है, और ये मेरे 3 अदद बड़े साइज़ के टमाटर थे जिनको मैंने जो है ना चॉप कर लिए, 1 टेबल और 1.5 टेबल स्पून नमक, 2 टेबल स्पून भर के लाल मिर्च पाउडर, और 1 लीटर हमने पानी लिया है गोश्त को गलाने के लिए, 1.5 किलो हमने जो है ना बीफ लिया है। अब सबसे पहले हम इसमें अपनी हांडी हम हांडी में बनाने लगे हैं, तो सबसे बीफ शामिल किया 1.5 किलो, 3 अदर जो है ना चॉप की हुई प्याज, आप चॉप भी कर सकते हैं, और हमने जो है ना स्लाइसेस में इसको जो है ना रफली स्लाइसेस कर ली हैं इसके। अब हमने जो है ना 4 टेबल स्पून भर के लहसुन शामिल कर दिया और 4 टेबल स्पून भर के ही हमने अदरक शामिल कर लिया, 3 अदर टमाटर चॉप किए हुए, 1.5 टेबल स्पून हमने नमक भी शामिल कर लिए, और 2 टेबल स्पून भर के जो है ना हमने लाल मिर्च पाउडर, आप जो है ना अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा स्पाइसेस कर सकते हैं, 1/2 टीस्पून हल्दी। ये पंजाब की बहुत ही मशहूर जो है ना मैं आप लोगों को बीफ कढ़ाई बनाना सिखा रही हूँ हांडी, ये बहुत ही मज़े की बनती है, आपने इसको एक बार लाजमी बनाना है। और 1 लीटर हमने पानी शामिल कर दिया गोश्त को गलाने के लिए। अब हम इसको जो है ना सबसे पहले हाई फ्लेम पर रख देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए, और फिर उसके बाद हम इसको 1.5 घंटे के लिए लो फ्लेम पर हम पकाएंगे। ये देखिए हमें तकरीबन 15 मिनट हुए हैं, हमने बिल्कुल इसको जो है ना हाई फ्लेम पर पकाया है, और 1 टेबल स्पून भर के ये देखें मैंने इसमें ब्लैक ज़ीरा यानी काला ज़ीरा मैंने इसमें शामिल किया 1 टेबल स्पून भर के। अभी हमने हमारे 15 मिनट हो गए हैं, तो अभी मैं इसको जो है ना 25 से 45 मिनट के लिए जो है ना इसको हम लो फ्लेम पर अब पका लेंगे। देखिए मैंने 5 अदद आलू लिए हैं, मैं जो है ना बीफ और जो है ना आलू वाले शोरबे वाली जो है ना मैं आप लोगों के साथ जो है ना पंजाब की बहुत ही मशहूर हांडी की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, जिसके लिए मैंने 5 अदद जो है ना ये आलू लिए हैं और इसके मैंने मोटे मोटे से स्लाइसेस कर लिए हैं। 20 मिनट के बाद मैं अब आलू भी शामिल करने लगी हूँ उसमें। ये देखें अब हम 20 मिनट के बाद जो है ना आलू शामिल कर दिए हैं हमने, हमने इसको बिल्कुल हलाना नहीं है, हम इसको ऊपर से कवर कर देंगे इसी तरह से। 5 मिनट के बाद आलू डालने के 5 मिनट बाद हम हरी मिर्चें जो है ना शामिल कर देंगे, आप इसको चॉप करके भी डाल सकते हैं, आप इसको जिस तरह से हमने शामिल किया है इस तरह से हमने 2-2, 3-3 इसके स्लाइसेस कर लिए और शामिल कर दिए, आप भी जिस तरह आपको पसंद है आप कर सकते हैं। ये देखें मैंने तकरीबन जो है ना 4 टेबल स्पून भर के जो है ना धनिया जिसको मैंने चॉप कर दिया। ये देखें हमें जो है ना 45 मिनट हो गए, हमने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर रखा हुआ था। देखिए हमारा अल्हम्दुलिल्लाह मटन भी बहुत ज़बरदस्त सा गल गया और आलू भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गल गए हैं। तो अब ये देखें थोड़ा थोड़ा सा पानी है, तो इस टाइम पर हम जो है ना कोई मसला नहीं है, अगर पानी हो तो आपने इसमें 1 कप हम अब इसमें ऑयल शामिल कर देंगे और इसकी साथ साथ बुनाई करते रहेंगे। अब हम इसमें सबसे पहले 1 कप यानी कि 1 कप ऑयल शामिल कर देंगे। ये देखिए अब हमने इसमें जो है ना 1 कप ऑयल शामिल कर लिए, अब हम इसकी तकरीबन जो है ना 5 मिनट अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे और फिर हम इसमें जो है ना शोरबा यानी कि ग्रेवी इसकी बना लेंगे, वो आप पे डिपेंड करते हैं आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये हमने इसमें जो है ना ग्रेवी यानी शोरबे वाली जो है ना हम
बीफ और जो है ना आलू वाला जो है ना ग्रेवी बना ली है इसकी इसकी ज़बरदस्त सी हमने जो है ना हांडी बनाई है और ये बहुत ही मज़े की बनती है और ये बहुत ही जल्दी बन जाती है। बीफ और बीफ में अगर आप आलू शामिल करते हैं तो उसका टेस्ट वैसे ही बहुत दुबाला हो जाता है क्योंकि इसका बहुत ज़बरदस्त सा जो है ना कॉम्बिनेशन है। तो आपने इसको लाजमी एक बार बनाना है, हमारे कहने पे ये बहुत ही मज़े की बनती है। तो अब हम इसमें जो है ना थोड़ा सा धनिया शामिल कर देंगे, फ्रेश हम इसमें शामिल कर देंगे। ये देखिए हमने अपनी हांडी में जो है ना 4 टेबल स्पून भर के जो है ना हमने शामिल कर ली, 4 टेबल स्पून भर के जो है ना हमने फ्रेश धनिया शामिल कर लिए। अब इंशाल्लाह हम आपसे मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। तो अब हम आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में।